अजय देवगन, काजोल और शाहरुख खान, गौरी खान दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के खूबसूरत और स्टाइलिश कपल हैं, जो सालों से हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ डटकर खड़े रहे हैं और कई कंट्रोवर्सी का शिकार भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर इन दोनों जोड़ियों में से किसके नाम पर कंट्रोवर्सी ज़्यादा है और कौन ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इन दोनों जोड़ियों के बीच कंपैरिजन करके सवाल का जवाब देने वाले हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन और काजोल की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आपको बता दें कि जब अजय देवगन वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म में काम कर रहे थे, तो अजय देवगन के अफेयर की खबर कंगना रनौत के साथ आई थी, जो कि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि काजोल ने अजय देवगन को बच्चों के साथ घर छोड़कर जाने की धमकी भी दे डाली थी, जिसकी वजह से दोनों कपल का नाम काफी मीडिया में उछाला गया था और दोनों काफी कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हुए थे। मगर जल्दी खबर कि अजय देवगन ने कंगना के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं और अब अजय और काजोल के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मगर इसके बाद काजोल और करण जौहर के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें अजय देवगन का हाथ बताया गया था, जिसकी वजह अजय देवगन और काजोल दोनों काफी बदनाम हुए। जल्द ही करण जौहर और काजोल के बीच दोबारा से दोस्ती हो गई और सब ठीक हो गया। अब बात करते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी बेगम गौरी खान के बारे में। तो आपको बता दें कि शाहरुख खान जब साल 2012 में जब बानखेड़े स्टेडियम में अपनी फैमिली के साथ मैच देखने गए थे, तो शाहरुख खान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भिड़ गए थे, जिसकी वजह से शाहरुख खान को बानखेड़े स्टेडियम में 5 साल तक कदम रखने के लिए मना कर दिया गया था। और बताया जाता है कि गौरी खान का नाम भी काफी उछाला गया था और दोनों काफी बदनाम हुए थे। मगर ये कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि एक बार गौरी खान बर्लिन जा रही थी तो उन्हें बर्लिन एयरपोर्ट पर मारिजुआना कैरी करने के जुर्म में रोका गया था और अपने इस करतूत की वजह से गौरी खान काफी कंट्रोवर्सी में घिर गई थी। यहाँ तक कि शाहरुख खान का नाम भी गौरी खान की इस हरकत से काफी बदनाम हुआ था और दोनों कपल की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। अंत में अगर बात करें कि इन दोनों कपल में से कौन ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है, तो दोनों ही कपल बराबर कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं और दोनों के नाम पर दो दो कंट्रोवर्सी दर्ज है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों कपल में से किन की कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी थी, आप हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी तमाम खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।